गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओस, उनको वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1,00,000 करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो धन किसानों को उद्यमी बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उस पर 3% ब्याज की छूट भी मिलेगी। साथियों, इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादकों के साथ देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इसके तहत देश के अलग अलग जिलों में गांव के पास ही कृषि उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। जो गन्ने की मैं किसान हूँ, गन्ने के मैं काम करता हूँ, जो ऑनलाइन हमारी पेमेंट आ रही है, हम इससे बड़े खुश हैं। इन कानूनों से मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये जो ऑनलाइन पेमेंट आ रही है, इनसे मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनके साथ रही, मैं उनसे सहमत नहीं। इस कानून के आने से जो किसान की फसल का सही मूल्य उनको मिल रहा है, किसान को फायदा होगा। जो लोग बरगला रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो पता नहीं किस संस्था से है, क्या उनकी मंशा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मर होगा, प्रभु सिंह रावत फरीदाबाद से किसान हूँ, जो विपक्ष फैला रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो फार्म हुआ है उससे कब्जा कर लेंगे ये लोग। अब भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे कर ले रहे हैं, लीज पे लेते हैं, तो किसी की जमीन कब्जा तो नहीं की। ये भ्रम फैला रहा है विपक्ष, बाकी खुश हैं तीनों अध्यादेशों से जिसके समर्थन में।